नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनायक कोचिंग पलसाना में। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं राजस्थान जीके के तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, और ये प्रश्न जो हैं आपकी एग्जाम राजस्थान पुलिस और पटवारी भर्ती परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आज का अपना टॉपिक है इस वीडियो में, वो है राजस्थान का नामकरण, उससे संबंधित अपन ने क्वेश्चन लिए इसमें। और आज का जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किसने किया। तो इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन हैं, जॉर्ज थॉमस, टी एच हैंडले, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम फ्रैंकलिन। तो आप अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन। ज़्यादातर दोस्तों ने उत्तर दिया है जॉर्ज थॉमस, जो गलत है। देखो क्यों नहीं है जॉर्ज थॉमस इसका आंसर, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, लेकिन विलियम फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस पर लिखी गई पुस्तक थी, 1805 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में पहली बार प्रयोग हुआ राजपूताना शब्द का लिखित रूप से, इसलिए इसका आंसर जो है वो होगा विलियम फ्रैंकलिन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन आज का अपना, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने, जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम फ्रैंकलिन। आप अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड इसका आंसर क्यों होगा उसकी बात करें तो देखो, कर्नल जेम्स टॉड जो थे वो राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक का नाम, दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार एकीकरण के किस चरण में किया गया। तो आप अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसमें चार ऑप्शन हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण इसका उत्तर क्यों हो जाएगा इसकी बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण था उसमें दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ, और उस समय उसका नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। तो इस प्रकार से दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता था। तो देखिए इसमें उत्तर आ जाएगा आपका, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना गया था। आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, चार ऑप्शनों में से आप देख करके आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, दूसरा है कर्नल जेम्स टॉड, तीसरा है ब्रिगेडियर पार्क, तो और चौथा है कर्नल एबॉट। तो देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा आपका कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड जो थे वो क्यों उनको कहा गया घोड़े वाले बाबा उसकी बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान की संस्कृति जानने के लिए घोड़े से भ्रमण करते थे, इसलिए उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने व कब किया था। तो चार ऑप्शन है, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी, विलियम ब्रुक 1825, कर्नल जेम्स टॉड 1829, टेसिटोरी 1830। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1829 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड में 1829 में अपनी एक पुस्तक लिखी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना छठा क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान भूभाग के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना आप, उसके बाद उत्तर देना। देखो चार ऑप्शन आपके सामने, रायथान, राजस्थान, रजवाड़ा, राजपूताना। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा राजपूताना। देखिए राजपूताना इसका आंसर आएगा क्यों, क्योंकि राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने किया था, इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा राजपूताना। बाकी तीनों नाम जो थे वो तीनों के तीनों, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, वो तीनों नाम कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिए गए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कर्नल जेम्स टॉड की सर्वप्रथम नियुक्ति राजस्थान के किस क्षेत्र में हुई। चार ऑप्शन आपके सामने, मेवाड़, हाड़ोती, एक व दो दोनों, मेरवाड़ा।
तो यहाँ पर आप अपना उत्तर दीजिए दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका एक व दो दोनों। उसके बाद बात करते हैं, देखो कर्नल जेम्स टोड जो थे वो भारत में सर्वप्रथम 1797 ईस्वी में आए थे, जबकि राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में 1818 ईस्वी में मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट उन्हें नियुक्त किया गया था। उसके बाद अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आठवें क्वेश्चन की, आठवां क्वेश्चन है अपना राजस्थान के भौगोलिक भाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जय संहिता, विष्णु पुराण, नैनसिरी ख्यात, रामायण, आप अपना उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा इसका रामायण। रामायण देखो महर्षि वाल्मीकि ने अपना ग्रंथ लिखा था रामायण, जिसमें राजस्थान शब्द के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना नौवां क्वेश्चन, राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किस प्राचीन शिलालेख में किया गया है। चार शिलालेखों के नाम दिए गए हैं आपको, जूनागढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, मेवाड़ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बसंतगढ़ शिलालेख। देखिए बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में बात करते हैं, तो बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश के जो शासक थे वर्मलात उनके द्वारा 682 विक्रम संवत में और 625 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था, जो सिरोही का जो खिम्मल माता मंदिर है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दसवें क्वेश्चन की, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ चार ऑप्शन है, 30 मार्च, 30 नवंबर, 1 नवंबर और 1 मार्च, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। देखो 1 नंबर इसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था, इसलिए इसे स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। चार ऑप्शन है, विलियम क्रुक, कर्नल टोड, कर्नल होम्स, विलियम ब्रुक, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम क्रुक। देखिए जो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक थी उसके लेखक थे कर्नल जेम्स टोड, जबकि इस पुस्तक का प्रकाशन जो किया गया था वो किया गया था विलियम क्रुक के द्वारा, तो इसका आंसर होगा विलियम क्रुक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बारहवें क्वेश्चन की, बारहवां क्वेश्चन है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। चार ऑप्शन हैं, मुणोत नैणसी, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, टेसी टोरी, श्यामल दास, तो यहाँ जो आंसर है आपका वो हो जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। देखिए जो सिरोही निवासी ओझा थे उन्होंने राजपूताना का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, जो कर्नल टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, कर्नल जेम्स टोड ने अपना भारतीय गुरु किसे बनाया था। कर्नल जेम्स टोड ने जो गुरु बनाया उसका उत्तर आपको बताना है कि किसे बनाया था। पहला ऑप्शन दे रखा है, यति यशपाल, यति ज्ञानचंद्र, त्रिलोक चंद्र, नेमीचंद भंडारी, तो आप आंसर हो जाएगा आपका यति ज्ञानचंद्र। इसके बाद देखो आप जो यति ज्ञानचंद्र थे उन्होंने कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए इसका आंसर होगा यति ज्ञानचंद्र। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता के पश्चात औपचारिक रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 17 मार्च 1948। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का नाम कब स्वीकार किया गया, तो अपन उत्तर देंगे इसमें 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी समय इसका नाम जो है वो राजस्थान स्वीकार किया गया था। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, योद्धेय क्षेत्र प्राचीन समय में किस क्षेत्र का नाम था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गंगानगर हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर जोधपुर, तीसरा है जोधपुर धौलपुर और चौथा है गंगानगर बीकानेर, आंसर हो जाएगा इसका गंगानगर हनुमानगढ़। देखिए जो गंगानगर व हनुमानगढ़ था उसके आसपास क्षेत्र को योद्धेय क्षेत्र के नाम जाना जाता था पहले के समय में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सोलहवां क्वेश्चन है आपका, 1829 ईस्वी से पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, वीरभान, नैनश्री ख्यात, बसंतगढ़ शिलालेख, उपयुक्त सभी, तो आप इसका आंसर दीजिए, आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी आंसर क्यों होगा, क्योंकि वीरभान ने अपने ग्रंथ राजरूपक व मुणोत नैणसी ने नैणसिरी ख्यात व बसंतगढ़ लेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है, परंतु ये एक सीमित क्षेत्र के लिए था, न कि राजस्थान के वर्तमान संपूर्ण भूभाग के लिए, इसलिए वर्तमान भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था वो किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना 17वां क्वेश्चन, भाकर श्रेणी है उदयपुर का पूर्वी भाग,
सिरोही का पूर्वी भाग, अजमेर क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। तो देखिए भाकर श्रेणी के नाम जानते हैं अपन सिरोही के पूर्वी भाग को। जो सिरोही का पूर्वी भाग है उसमें स्थित अरावली पर्वत की जो तीव्र ढालयुक्त आकृति की पहाड़ी हैं उनको भाकर श्रेणी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपना 18वें क्वेश्चन की, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 18 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च और 15 मई। तो देखिए इसका उत्तर दीजिए आप। उत्तर होगा इसका 30 मार्च। और देखो 30 मार्च क्यों हो जाएगा इसका आंसर, उसकी बात करें तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान की चार बड़ी रियासतें थी, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर, इनका विलय हुआ था और ये दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 19वां क्वेश्चन, प्राचीन समय में मेवल नाम से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर देखो मेवल नाम से प्रसिद्ध था, चार ऑप्शन दिए गए, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और पाली नागौर। तो मेवल के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। देखो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग में मिलने वाली जो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ थी उनको स्थानीय भाषा में मेवल कहा जाता था। इस प्रकार से इसका आंसर होगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की, जो 20वां क्वेश्चन है अपना वो है, राजस्थान की राजधानी जयपुर का निर्धारण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके, बलवंत राय मेहता समिति, फैजल अली समिति, सत्यनारायण राव समिति, शंकर देवराय समिति। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति। देखिए एकीकरण के चतुर्थ चरण में जब 30 मार्च 1949 को हुआ तो उस समय सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की जो राजधानी थी वो जयपुर को बनाया गया। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो आपको बहुत पसंद आएंगे दोस्तों, और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।